गुड इवनिंग। हाइपर कंजुगेशन बेटा, हमने लास्ट क्लास में इंट्रोडक्शन दिया था आपको, और हाइपर कंजुगेशन हमने आपसे कहा था कभी भी आपके पास sp2 कार्बन है और उससे अटैच sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन से अटैच sp3 कार्बन है, वो कार्बन कैसा है? अल्फा कार्बन है। और अगर वो अल्फा कार्बन है और उसके साथ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन है, तो वहां पर आपका सिग्मा और पाई बॉन्ड का कंजुगेशन हो जाता है, ठीक है? इसी को आप कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। या इस केस में हमने एक और चीज देखी थी, नो बॉन्ड फॉर्मेशन था, इस पे कोई बॉन्ड नहीं बनता था, ऑल्दो वो कहीं भी H प्लस कहीं जाता नहीं था। तो इसी को आगे डिटेल में देखते हैं, और सबसे पहले हम स्टडी करेंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा, कार्बोकैटायन हाइपर कंजुगेशन, ठीक है जी। तो कार्बोकैटायन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे बहुत ज्यादा ये यूज में आने वाला है। तो सपोज मेरे पास दो कार्बन मैं ले रहा हूं, जिसमें से एक मैंने आपसे कहा कि ये मेरे पास sp2 है और इधर मेरे पास sp3 है, और कार्बोकैटायन बनाना है इसलिए इसको मैंने C+ कर दिया। चलिए इस पे H भी लगा देते हैं, तो इसको यहाँ पे CH2 कर लेते हैं, वैलेंसी पूरी हो गई, ओके। और इधर हम H दिखा देते हैं आपके, H और भी बन सकते हैं, बट एक ये मैंने आपका एग्जांपल ले लिया। अब देखिए यहां पर आपको पता है कि एक H, अभी मैं फर्स्ट H, ये जिसको मैंने सर्कल बनाया हुआ, इसकी मैं बात कर रहा हूं, इसके पास आप देख रहे हैं कि यहां पे ये एक कार्बन के साथ sp3 कार्बन जो है ये, हाँ बिल्कुल, इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन यहां पे हैं। अच्छा ये बता दीजिए मुझे कि ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा होगा, हाइब्रिड की अनहाइब्रिड? बिल्कुल सही बात, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है आपका, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा, फाइन, CH बॉन्ड वाला जो है। अच्छा अब जरा सी बात करें, यहां पर आपके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होगा, C+ है, ओके। ये तो आपका अनहाइब्रिड होगा बेटा, क्योंकि sp2 है, ठीक, तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। और क्लियरिटी में अगर लिखना चाहें तो ये p ऑर्बिटल होगा बेटा, ठीक है, बिल्कुल। अब जरा देखिएगा होता क्या है कि ये जो आपके लोन पेयर हैं, सॉरी कार्बन और H के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये सिग्मा बॉन्ड जो है ये आपका शिफ्ट हो जाता है और ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, ठीक। तो यहां पे तो ये सिग्मा है और आगे जाके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाई में, तो ये आपका कहलाता है सिग्मा पाई कंजुगेशन। तो हाइपर कंजुगेशन क्या है? सिग्मा पाई कंजुगेशन, ठीक है, यस। तो आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो पी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, मतलब सिग्मा बॉन्ड और पी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच इंटरेक्शन हो रहा है, ये बात समझ में आई? तो जितने आपके पास अल्फा एच होंगे, जितने आपके पास अल्फा एच होंगे उतनी ये पोजीशन बनेंगी, और यस वही बॉन्ड डीलोकलाइज होंगे जो अल्फा एच और सी से बने होंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका मतलब जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, आप चाहें तो उसको लिखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोर हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। या यहीं से आप एक चीज और, ये आया अब आपका कॉन्सेप्ट बना और ये आगे भी बहुत यूज में आना है, तो इसको तो अच्छे से समझ लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। हाँ जी, ये डिपेंड करती है आपकी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे और ये एप्लीकेशन में भी आएगा, ये यूज हो रहा होगा जब आप रिएक्शंस पढ़ेंगे आगे, है ना, तो ये चीज वहां पे कि ये क्यों लिख दिया सर, तो वहां पे आप बहुत ज्यादा मैं डिटेल में बताऊंगा नहीं आपको, ये सब प्रैक्टिस होनी चाहिए, खूब प्रैक्टिस यहाँ पे करा देंगे, चिंता मत कीजिए।
हमने आपसे कहा कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो मैं यहां पे आपको CH3CH2, ओके, ये मैंने आपको एक कार्बोकैटायन दिया, एक और लिख लेते हैं CH3+, चलिए इसको भी लिख लेते हैं, फिर लिख लेते हैं CH3CHCH3, यहाँ पे आपको प्लस दे देते हैं और एक और लिख लेते हैं CH3CCH3CH3 और ये आपका प्लस। ओके, तो अब मैंने आपको ABCD चार कार्बोकैटायन दिए हुए हैं और हमें चेक करना है कि कौन सबसे ज्यादा स्टेबल है, और ऑर्डर कह लीजिए, ऑर्डर कह लीजिए, कौन सबसे कम या ऑर्डर, ठीक। हाँ, वैसे इनके नाम भी आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट जो है वो क्या है, इथाइल कार्बोकैटायन, भाई इथेन से बना है, इथेन में से एक एच निकाला, नॉमेनक्लेचर मैंने आपको बताया हुआ, इथाइल कार्बोकैटायन। दूसरा है मिथाइल कार्बोकैटायन, थर्ड वाले को क्या कहेंगे, आइसोप्रोपाइल कार्बोकैटायन, सीसी लिख दिया मैंने, ठीक है, इतनी जगह नहीं है। और थर्ड वाला आपका हो जाएगा टर्ट ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ठीक। सेकंड वाले को मैंने आपसे कहा मिथाइल कार्बोकैटायन, और फर्स्ट वाला है इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिए तरीका क्या है, सबसे पहले आपको रेजोनेंस देखना है। अभी तो रेजोनेंस है नहीं, इसलिए रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप बस काउंट अल्फा एच काउंट कीजिए। अब देखिए यहां पे जब आप सी प्लस देख रहे हैं तो अल्फा कार्बन ये रहा, कितने अल्फा एच हैं, थ्री अल्फा एच, समझ में आ रहे हैं, ये जो ग्रीन कलर से थ्री दिख रहे हैं आपको, ये तीनों के तीनों अल्फा एच हैं जो कार्बन अल्फा कार्बन के साथ अटैच है। ओके, सेकेंड वाले में अरे यहां जीरो है, क्यों, कोई कार्बन अटैच है ही नहीं सी प्लस के साथ, वेरी गुड। नेक्स्ट वाले में सिक्स कैसे समझ में आए, ये थ्री अल्फा एच और ये थ्री अल्फा एच, सी प्लस के साथ जो दो कार्बन अटैच हैं वो अल्फा कार्बन, और उनके साथ जो भी हाइड्रोजन अटैच हैं वो अल्फा हाइड्रोजन, बात समझ में आ गई। और लास्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपके पास 9 हो जाएंगे, ये H3, ये H3 और ये H3, क्लियर है। तो जिसमें जितने ज्यादा अल्फा एच वो उतना स्टेबल कार्बोकैटायन, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, डी, फिर कौन, सी, ओके, सी के बाद ए और उसके बाद बी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है। आप लिखना चाहें नोट कर लीजिए, दिस इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। एक चीज का ध्यान रखिएगा, कार्बोकैटायन की जब भी आप बात करेंगे तो यहां पर अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो आपको नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट करने, ठीक है। एक और मेथड हो जाता है, बट अभी तो मैं चलिए लिखा देता हूं आपको, 3 degree इज मोर स्टेबल देन 2 degree इज मोर स्टेबल देन 1 degree एंड इज मोर स्टेबल देन CH3+। बट बेस हमेशा ध्यान रखिएगा, हाँ, यहां पर एक कंडीशन है, ओनली इफ हाइपर कंजुगेशन बिल्कुल। तो हाइपर कंजुगेशन हो रहा है तभी यह चीज अप्लाई हो रही है, ठीक है। रेजोनेंस का केस में फिर कहानी पलटेगी, तो आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि सब जगह हाइपर कंजुगेशन है तो आप इससे भी कर सकते हैं, नहीं तो अल्फा एच काउंट कीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल और देख रहे हैं, एक एग्जाम्पल और लिखिएगा। ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैं आपको इस तरह से देता हूं CH3CH CH2CH2, यहाँ पे CH3, ठीक है। एक तो मैंने ये बनाया है और इसमें मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे दिया है,
एक और बना दें आपके लिए, दूसरा है हमारा CH3CH3, यहां पे प्लस दिया हुआ है, इसे मैं कह देता हूं ए, इसे मैं कह देता हूं बी, और एक और सी और दिखा देते हैं आपको। चलिए और कहां पे कर सकते हैं हम इसको चेंज, CH3 CH2 CH3 CH3, और अब पॉजिटिव चार्ज यहां पे दे दिया। ठीक है, तो सी पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटायन आपको देख रहे हैं, कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है, क्लियर है आपको कि कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई पाई बॉन्ड आपको दिख नहीं रहा है, कहीं भी कोई कंजुगेशन है नहीं। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अल्फा एच काउंट करने, अल्फा एच काउंट करने हैं आप, बस पूरा गेम इसी पे है, आज प्रैक्टिस इसी की है कि अल्फा एच कैसे काउंट होंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो अल्फा कार्बन देख लें भाई कहां कहां, तो सी प्लस के बगल वाला ये आपका अल्फा कार्बन, ठीक है, फर्स्ट केस में अल्फा कार्बन ये रहा, सेकेंड केस में ये भी अल्फा ये भी अल्फा, सी प्लस के बगल वाला, ये सी प्लस आपको दिख रहा है, इसके बगल में दोनों डायरेक्टली अटैच हैं, और फिर ये थ्री अटैच हैं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो अल्फा अल्फा अल्फा, ओके, तो पहले वाले केस में कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं आपको, पहले वाले केस में टू, ठीक है, सेकेंड में भाई थ्री ये रहे और एक ये रहा फोर, और लास्ट वाले में थ्री थ्री और टू एट, ये बात समझ में आई। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे काउंट करना है ये मैं आपको सिखा रहा हूं, और यहां पे आप लिख सकते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, चेक कर लेना एक बार, तो ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। देखिए आप यहां पे डिग्री से भी चेक कर सकते थे, ये थ्री डिग्री है, ये टू डिग्री है, ये वन डिग्री है, फाइन, बिल्कुल। बेटा नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, इसमें हमें ए बी सी थ्री कार्बोकेटायन दिए गए हैं, हमें चेक करना है स्टेबिलिटी किसकी है, और सबसे पहले हम काउंट करेंगे, क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है इसलिए हम काउंट करेंगे अल्फा एच कितने हैं। ठीक, अल्फा एच से पहले हमें देखना पड़ेगा कि भाई अल्फा कार्बन कहां है, तो जरा देखिएगा सी प्लस से लगा हुआ कार्बन, ये रेड डॉट में बना रहा हूं, ये आपका अल्फा कार्बन है, यहां मैं अल्फा लिख दे रहा हूं, ठीक है, कार्बन है आपको पता है, ये डॉट जो है कार्बन है। अच्छा, नेक्स्ट वाले को देखिए, बी वाले में प्लस यहां पे लगा हुआ है, प्लस एक यहां पे, एक यहां पे, और ये वाला कार्बन, ये तीनों अल्फा कार्बन हो गए, बहुत ध्यान से। अच्छा जी, अब यहां पे देखिएगा, ये रेड वाला जो आपको दिखाया गया, ठीक, सॉरी सॉरी, ये तो प्लस है, रेड वाला नहीं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अल्फा कार्बन हो गए, ठीक है, अल्फा कार्बन तो दिख गए। अब ढूंढना ही है कि भाई अल्फा हाइड्रोजन कितना है, तो देखो ये जो अल्फा कार्बन आपको दिख रहा है, इसकी तीन वैलेंसी है, एक जो बची वही एच तो है, तो यहां पे तो आपके पास वन अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ठीक, सेकेंड वाले में देखो, बी वाले में, बी वाले में इस पे दो वैलेंसी तो दिख रही है, दो बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, दो बचे वो दोनों हाइड्रोजन, प्लस इस पे भी टू, और ये थ्री एच लिखे हुए हैं यहां पे, तो टोटल आपके पास सेवन अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ये बात समझ में आई। और इस केस पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास टू और इस वाले पे वन, तो ये आपके पास थ्री अल्फा हाइड्रोजन हो गए, तो सेवन थ्री वन, ये आपका ऑर्डर हो गया। ऑर्डर क्या बना, बी सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर सी, और सबसे कम स्टेबल ए, क्योंकि उसमें केवल वन अल्फा हाइड्रोजन है। कार्बोकैटायन पे हमने हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा ये चेक कर लिया, अब जरा देखते हैं कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल में भी हाइपर कंजुगेशन होता है। ठीक है, अब जरा देखें, मान लीजिए आपके पास सी सी ये, और ये आपका फ्री रेडिकल मैंने बता दिया, ये सी एच टू, यहां पे एच, यहां पे एच, यहां पे एच, क्लियर है। अब अगर आप देखें तो ये जो कार्बन फ्री रेडिकल है, ठीक, ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके बगल वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो sp2 के साथ sp3 कनेक्टेड है,
अल्फा कार्बन भी है, है जी, अल्फा कार्बन है, फ्री रेडिकल से लगा हुआ है तो अल्फा कार्बन हो गया, ये मैंने आपको बताया था, और इसके साथ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं, यानी यहां पर आपका हाइपर कंजुगेशन होगा, हाइपर कंजुगेशन यहां पर हो जाएगा। क्लियर है? अब होगा कैसे भाई, ये जरा समझते हैं। देखिए एक मिनट में जरा इसको अल्फा एच जो मैंने आपको समझाया था इसको मैं उड़ा दूं। ओके, यहां पे एक हाइड्रोजन और कार्बन वाला बॉन्ड में ले रहा हूं, ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें आपके पास मैं लिख भी देता हूं यहां पे, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसमें बेटा दो इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ठीक है। देखिए ये जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है ये इधर आएगा, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है वो भी आएगा, और ये फॉर्म करेंगे किसको, पाई बॉन्ड को, ठीक। तो यहां से अगर मैं इसका आगे स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि C डबल बॉन्ड C यहां पे H2, इधर मेरे पास H, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो चुका है थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, यहां पे H, यहां पे H, ये बॉन्ड तो कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। अब प्लीज ध्यान रखिएगा ये अलग नहीं होगा, थोड़ी देर के लिए हमने समझाया आपको, यहां तो पार्शियल बॉन्ड होगा, ठीक है, ये तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है, नो बॉन्ड है ये, दिस इज नो बॉन्ड, फाइन। लेकिन खाली एक ही थोड़ी बनेगा, ऐसे कितने बनेंगे, जितने अल्फा एच हैं उतने बन जाएंगे, तो आपके पास दो अल्फा एच और हैं, ओके। तो ये वाली सिचुएशन भी आएगी, सी डबल बॉन्ड सी एच टू, इधर एच पूरा, इधर एच पूरा, और इधर वाला एच ये डॉट के साथ, और यहां पे मैं आपको नो बॉन्ड भी ये दिखा रहा हूं ग्रीन कलर से, ये मेरा नो बॉन्ड हो गया बेटा, ठीक है। और थर्ड केस एक और दिखा देते हैं आपको, यहीं पे ऐसे एरो बना के, जैसे रेजोनेंस में बनाया था ना, यस। तो यहां पे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड सी एच टू, ये वाला एच, ये वाला एच एज इट इज, इधर वाला एच अपना इलेक्ट्रॉन लेके, और साथ में ये आपका नो बॉन्ड। लेकिन प्लीज ध्यान रखिएगा ये एच अपना इलेक्ट्रॉन लेके कहीं नहीं जाएगा, यहीं पे रहना है इसने, ओके। और ये थ्री क्या है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, यस, ये कहलाएंगे, लिख लीजिए चाहे तो, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने हैं, थ्री, फोर मत कह देना, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उन्हीं को कहा जाता है जिसमें बॉन्ड नहीं होता है, वो जो ऊपर वाला है वो हाइपर कंजुगेटिव नहीं है जो फर्स्ट वाला बनाया था, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से जैसा हमने किसके लिए किया था, कार्बोकैटायन के लिए, वही चीज यहां पे भी होगी। अब जरा एक बात और देखते हैं, अगर मैं इसका हाइपर कंजुगेटिव हाइब्रिड बनाऊं, एच एच इसे कह रहा हूं, पहले हम क्या कहते थे, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसको क्या कहेंगे, हाइपर कंजुगेटिव हाइब्रिड। हाइब्रिड कैसे बनेगा जरा देखते हैं, सी C, ठीक है, अच्छा एक मिनट, ब्लैक कलर से, हाँ C बॉन्ड C, और कौन है यहां पे, H2 है, H2 तो सब में है, इधर H H H, यहां पे डॉट, यहां पे डॉट, यहां पे डॉट, लेकिन ये परमानेंट नहीं, तो डेल्टा डॉट लिख दें, जैसे चार्ज को लिखते थे डेल्टा प्लस, वैसे यहां पे डेल्टा डॉट लिख दें। अच्छा, एक डेल्टा डॉट सी पे भी आएगा, चेक करो जरा, बिल्कुल। और अब इनके बीच क्या हो जाएगा, यहां पे पार्शियल बॉन्ड, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया, बिल्कुल, आप इसे चाहे तो हाइब्रिड भी लिख सकते हैं, हाइपर कंजुगेटिव हाइब्रिड भी लिख सकते हैं, ये आपका हाइब्रिड बन गया। और फिर से अगर अब हम बात करें स्टेबिलिटी की, तो अब आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, बार बार कह रहा हूं, स्ट्रेट क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी,
फिर से एक एग्जाम्पल, यहां पे आपको कार्बन फ्री रेडिकल्स दिख रहे हैं और स्टेबिलिटी के लिए आपने देखा कि कोई रेजोनेंस नहीं है। अगर रेजोनेंस नहीं है तो आप डायरेक्टली डिग्री या अल्फा हाइड्रोजन से चेक करेंगे। तो देखिए जरा पहले अल्फा कार्बन कहाँ कहाँ है। तो ये आपके अल्फा कार्बन रहे, ये आपके अल्फा कार्बन, इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है, क्रॉस लगा दे रहा हूँ। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास 3 अल्फा कार्बन है, इनसे जुड़े जितने भी एच हैं वो सब के सब अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अब मैं अल्फा हाइड्रोजन का नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ए वाले केस में अगर आप देखेंगे तो 6, बी वाले केस में आप देखेंगे तो 3, सी में 0 और लास्ट वाले में 9 अल्फा हाइड्रोजन है। स्टेबिलिटी ऑर्डर अब कोई भी लिख देगा, डी के बाद ए के बाद बी के बाद सी। तो ये रहा आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। हाँ, रेजोनेंस नहीं है, हाइपर कंजुगेशन है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तो आप केवल डिग्री भी देख सकते हैं। देखिए ये आपका 2 डिग्री है, ठीक है, ये आपका 1 डिग्री, यहाँ पे बी वाला केस, यहाँ पे कोई डिग्री, इसे 1 डिग्री कहते हैं बट ये 1 डिग्री में आता नहीं है। और फिर आपके पास एक और रहा, ये आपका 3 डिग्री, ठीक। तो आप इससे भी कर सकते हैं, डिग्री ऑफ कार्बन से भी, बट बेटर है कि आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीख लें, क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आएगा ये यहाँ पे बताना बड़ा मुश्किल है, ठीक। तो बिल्कुल आप अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना सीखें। और एक एग्जांपल और देखते हैं यहीं पे, ये नोट कर लीजिए, देखिएगा। चलिए इसको कुछ ऐसे बनाते हैं, ओके। ये हमने एक स्ट्रक्चर बनाया, दूसरा स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सिमिलर है, बस डॉट हमने अलग जगह लगा दिया है। और थर्ड स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम है, बस डॉट हमारा अलग जगह है। तो बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से जितने आप कहेंगे उतने क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ, बट क्योंकि हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाए, राइट। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपने देखा कि कहीं रेजोनेंस तो नहीं है, अभी तो कोई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, ठीक। तो आपने कहा सर रेजोनेंस वाला लफड़ा नहीं, सीधे सीधे अल्फा एच चेक करते हैं। जल्दी से मुझे बता दीजिए कि अल्फा एच क्या आएगा। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन चेक करके बताने हैं आपको, ओके। यहां पे ये अल्फा रहा, यहां पे आपके पास ये 2 अल्फा हैं और इस केस में आपके पास 3 अल्फा है, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें होता क्या ना, आपको एच दिख नहीं रहे, जहां एच लिखा होता है वहां पे तो ठीक है, यहाँ पे एच दिख नहीं रहे। तो अब आपको ये चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे बेटा 2 आएगा। 2 कैसे आया, इस कार्बन की 2 वैलेंसी तो आपको दिख रही ना, 2 बॉन्ड, 2 बचे हुए हैं, वो एच लगे हुए हैं। अच्छा, इस पे आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास 3 होंगे, यहाँ पे आपके पास 1 होगा, तो टोटल आपके पास 4 अल्फा एच होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इधर तो ये तो है ही नहीं, सॉरी, यहाँ पे 3 है, ठीक है, इस पे 3 है और इस पे 2 है, तो 3, 3, 6, 2, 8 हो गए। और बिल्कुल आप चाहें तो डिग्री ऑफ कार्बन से भी इसका आंसर निकाल सकते थे, सी बी ए, बिल्कुल सही आंसर भेजा आप लोगों ने मुझे, ठीक है। आंसर निकालना एक चीज है और अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना दूसरी चीज, दोनों की प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। अब बेटा इस केस पे देखिएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको फ्री रेडिकल दिख रहा है, हाँ, ये आपका इलेक्ट्रॉन है और ये आपको दिख रहा है कि ये इनके साथ कंजुगेशन में है। सेकेंड वाले केस में भी ये अल्टरनेट पोजीशन पे पाई बॉन्ड है, तो ये दोनों पे रेजोनेंस हो रहा है, मैं इसको आर लिख दे रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट वाले पे कोई रेजोनेंस नहीं, तो नो आर और नो आर, आप पूरा लिख लेना, नहीं तो बाद में समझ में नहीं आता ये नो आर क्या लिखा हुआ है, नोर समझते हैं उसको, फिर सोचते हैं सर ये पता नहीं क्या लिखाया हुआ है। तो आर मतलब यहाँ पे लिख लो, रेजोनेंस भी लिख लो, ऐसे कर लो, एक बड़ा रेजोनेंस लिख लो। तो जहां जहां आर लिखा हुआ है वहां पे हो रहा है, जहां पे नहीं हो रहा है वहां पे आपने नो लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्लियर है कि भाई अगर मैं इसे नंबरिंग दे दूं, सपोज मैंने आपसे ऐसे कहा कि ए बी सी और डी, तो इतना कन्फर्म है कि भाई ए और बी में रेजोनेंस हो रहा है तो ये ज्यादा स्टेबल होंगे, ठीक। हाँ, और सी और डी की अगर आप बात करेंगे तो ये रिलेटिवली, तो इन सबको एक साथ नहीं कंपेयर करेंगे, हम अलग अलग करेंगे। तो पहले हम ए और बी को कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चल गया कि ए इज ग्रेटर, अच्छा एक मिनट,
पहले हम बात कर लेते हैं रेजोनेंस वालों की, तो ये इससे ग्रेटर है, ये तो हमें पता चल गया ना। हाँ, अभी ए बी और सी डी को अलग अलग चेक करेंगे, पहले हम रेजोनेंस वालों को एक साइड और नॉन रेजोनेंस वालों को एक साइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वी हैव ओनली हाइपर कंजुगेशन। चलिए अब जरा देखिए कि फर्स्ट वाले केस में आपके पास दो पाई बॉन्ड है और वो जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है सी डॉट जो दिख रहा है, कार्बन फ्री रेडिकल जो है आपका, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन भाई घूमते घामते दूसरे वाले पाई बॉन्ड तक भी पहुंच रहा है, ठीक। तो इसका मतलब ए जो है वो आपका बी से ज्यादा स्टेबल होगा, ये बात समझ में आई। वैसे भी आप देख सकते हैं रिंग में एक बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है और इसमें जो है दो हैं और अल्टरनेट पोजीशन पे है, तो ए वाला बी से ज्यादा स्टेबल होगा, बहुत बढ़िया। अब जरा बात करें सी और डी की, ठीक। तो सी और डी में क्योंकि कोई रेजोनेंस नहीं है इसलिए किसे चेक करेंगे, अल्फा एच से, अल्फा एच चेक कर लीजिए भाई। जब आप इस सी वाले की बात कर रहे हैं, हाँ सी वाले को देखिएगा तो क्या आएगा, ये रहा आपका अल्फा, ठीक है। और इस डॉट की अगर आप बात करेंगे तो ये रहे आपके अल्फा, आराम से जल्दी बाजी में, यही तो खेल है। अरे अल्फा कैसे चेक करोगे, वो डॉट से ही तो चेक करोगे ना, हमारा इंटरेस्ट किस पे है, वो डॉट पे, बिल्कुल। तो अब जरा मुझे बता दो कि कितने कितने अल्फा एच हैं सी और डी, सी और डी में, यहां बेंजीन कहीं नहीं है, बेंजीन कहीं नहीं है। सी में तो ये तीन दिख रहे हैं, एक अल्फा एच है और यहां पे अगर आप देखेंगे तो वन यहां पे है, टू यहां पे है, ठीक है, तो थ्री अल्फा एच। तो इसका मतलब आपका जो ऑर्डर हो गया वो ए बी सी, ओ सॉरी डी सी, ऐसा आएगा, ये बात समझ में आई, ए बी डी सी। यही क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं कि रेट के काम हो जाएगा, देखिएगा देखिएगा, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, चलिए देखिए एक स्लाइड चेंज। और ये क्वेश्चन पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं, हो गया नोट। अब बेटा अगर आपने चेंज कर दिया, देखिए यहां पे स्लाइड चेंज मैंने किया, ये डॉट जो है वो यहां आ गया, ठीक। तो अब अगर आप अल्फा काउंट करेंगे तो ये अल्फा और ये अल्फा, ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कीजिए, अब कितने हो गए, टू, अच्छा ये सी एच टू नहीं होगा, ये सी एच थ्री करना पड़ेगा, यहाँ पे सी एच थ्री हो जाएगा, चेक करो, बिल्कुल सही। अब आपके पास सेवन अल्फा हाइड्रोजन सी वाले केस में हो गए और लास्ट वाले में कितने हो गए, लास्ट वाले में थोड़ी चेंज हो जाएंगे, उस पे तो थ्री ते थ्री रहेंगे, तो अब आपका ऑर्डर जो है वो ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी हो गया। तो माइनर माइनर से चेंजेस हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपने सर मैंने तो वो पढ़ा था ऐसा था, ऐसा कुछ नहीं, वहां पर क्या चेंज हुए उसको देखना है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं, रेजोनेंस को चेक करना है और आंसर निकाल देना। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा हाइपर कंजुगेशन इन एल्कीन, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा सी एच टू डबल बॉन्ड सी, यहां पे मैंने लगाया एच, यहां पे मैं लगा देता हूं सी एच एच एच, हाँ जी क्या है ये है सी, ओके तीन सी हैं तो प्रोपीन है, बहुत बढ़िया प्रोपीन है जी, ठीक है ओके। अब अगर आप ये कार्बन देखें तो ये आपका sp2 कार्बन है, इसके बगल में आप देख रहे हैं यहां पे sp3 कार्बन है, ठीक है, sp2 कार्बन के साथ sp3 कार्बन अटैच है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या ये अल्फा कार्बन है,
बिल्कुल, क्योंकि डबल बॉन्ड से डायरेक्टली लगा हुआ, डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो ये अल्फा कार्बन भी है और इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन भी अटैच है, तीन तीन अटैच है, हमें तो केवल एक चाहिए था। इसका मतलब ये कैंडिडेट हाइपर कंजुगेशन का कैंडिडेट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका हाइपर कंजुगेशन होगा, तो सबसे पहले ये भी चेक करना आना चाहिए कि भाई हाइपर कंजुगेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फाइन, चलिए फिर से जरा सी जल्दी से हम बात करें, एक बार फिर से इसको बना लूं मैं, नोट कीजिए नोट कीजिए। हाँ, मैंने आपसे कहा सी सी डबल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, यहाँ पे एच, ओके। अब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर, वेरी गुड, और ये आपके पास एक डबल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका सिग्मा है, ठीक। और अब इसमें होता क्या है जरा समझेंगे, ये बेटा जो पाई बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इधर सी एच टू पे, और ये वाला इधर पाई बॉन्ड फॉर्म कर देता है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर जो आपका, आगे स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, आगे स्ट्रक्चर से समझ में आएगा, बड़े आराम से देखो ये क्या बन जाता है आपका सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपके पास आ जाता है सी एच टू, ये आपका लोन पेयर आ गया, यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया, फाइन। और इधर आपके पास ये एच एज इट इज रहा, ये एच एज इट इज रहा, और ये वाला एच जो है इससे इलेक्ट्रॉन गया है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बात समझ में आई। तो अब आप फिर से देखेंगे यहाँ पे आपके पास ये नो बॉन्ड हो गया, आप चाहो तो बिल्कुल इसे मेंशन करो नो बॉन्ड। हाँ, मैंने तो ग्रीन कलर से आपको दिखाया, आप उसको ब्लैंक छोड़ के नो बॉन्ड लिख दो वहां पे एरो लगा, बिल्कुल। बट जितनी जगह अल्फा एच होगा उतनी जगह होगा, तो इसके भी तीन स्ट्रक्चर बनेंगे, यही बना देते हैं सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे सी एच टू, ये पेयर आ गया, माइनस साइन आ गया, और ओके यहाँ पे एच, ये वाला एच एज इट इज, और इधर वाला एच प्लस, ठीक है। और एक और बन सकता है, आप कैसे भी दिखा सकते हो, ये डबल साइड एरो मतलब ये इसका, हाँ, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू, यहाँ पे लोन पेयर माइनस, अब कौन सा, एक एच बचा है, ये वाला एच एज इट इज, ये वाला एच एज इट इज, ये वाला एच प्लस हो गया, ठीक। और यहाँ पे आपका नो बॉन्ड आ गया, तो अगेन आपके पास कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, थ्री। अरे इस पर्टिकुलर केस के लिए थ्री, बाकी तो आपको चेक करना पड़ेगा कितने अल्फा हाइड्रोजन है, जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने, बिल्कुल सही बात, उतनी जगह नो बॉन्ड बनेगा और उतने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होंगे, फाइन। अच्छा हाइब्रिड बनाए, हाइब्रिड अगर मैं आपसे कहूं हाइब्रिड के लिए बना पाएंगे, कोशिश कीजिए, सी सी सी, यहाँ पे एच, ओ, ये बॉन्ड पूरा नहीं है, ओके, ये एच, ये भी बॉन्ड पूरा नहीं है, एच, जस्ट अ मोमेंट। अब देखिए मैं पार्शियल बॉन्ड दिखा रहा हूं आपको, पार्शियल बॉन्ड क्यों है समझ में आ रहा है, एक जगह नहीं है तीन जगह है, ठीक, वेरी गुड। ये आपका डॉट, ये भी आपका डॉट, हाँ, बाकी एच टू लिखना चाहो बिल्कुल, यहाँ पे एच टू लिख दो, यहाँ पे एच टू, और भी है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एच है ना सब में, चेक करो, हाँ ऊपर मैंने लिखे नहीं है सी डबल वन सी, यहाँ पे एच होना चाहिए, यहाँ पे एच लगा देना बेटा, यहाँ पे, अच्छा मैं एक्स लिखना ही भूल गया, वो मैंने शुरू में ही नहीं लिखा, ठीक ठीक है, क्लियर, ओके। अच्छा एक चीज अभी रह गई, क्या रह गई, वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, तो उसको भी मेंशन करना जरूरी बेटा, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस, ये डेल्टा प्लस, एच पे कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है लेकिन पार्शियल है, वो पूरा नहीं है, सारे उस पे नहीं है, देखिए यस। और अगर आप बात करेंगे वो नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज कहां पे आ रहा है, ये वाले सी पे डेल्टा नेगेटिव,
ठीक है, तो ये आपका बनेगा हाइब्रिड, ये हाइब्रिड बना, कुछ समझ आया? बिल्कुल। और इसका पता कैसे चला? जब इस तरह की आपकी प्रोटीन बनती है ना, तो बेटा जो बॉन्ड लेंथ होती है, हाँ जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ नहीं आती। देखिएगा मैं आपको इस पर समझा भी दूं, मान लीजिए मैं इसको वन कार्बन कह रहा हूं, इसको टू कार्बन कह रहा हूं, इसको थ्री कार्बन कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा मैं यहीं पे जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसको भी लिख दूं, सी एच एच एच, यहां पे सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है। कंपेयर करेंगे, इसको हमने कहा है वन, इसको हमने कहा है टू, और इसको हमने कहा है थ्री। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कौन सा, वन और टू वाला, इस केस पे, ठीक, तो इसमें जो आपकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, और जो डबल बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड सी, वो किसके बीच है, टू और थ्री के बीच, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड जो कार्बन कार्बन के बीच होता है वो ये रहेगा, ठीक है। बट ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन इनमें चेंज आ जाता है, क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो ना तो वो सिंगल बॉन्ड बचा, अरे वो देखो ना ये वाले को देखो, वन और टू के बीच सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक पार्शियल बॉन्ड भी आ रहा है, तो ये क्या होगी, ये 1.4 से कम हो जाएगी, ठीक है। इस वाले केस में जो C1 C2 के बीच का बॉन्ड है दैट इज लेस देन 1.54 एंगस्ट्रॉम, ये बात समझ में आई, बॉन्ड 1 से ज्यादा है, 2 से कम है, 1 से ज्यादा है, तो ये 1, हाँ अगर बॉन्ड आपका डबल बॉन्ड होता है तो आपकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है ना, ओके। और C2 C3 डबल बॉन्ड की अगर हम बात करें, कौन से वाले केस में, जो हाइपर कंजुगेशन की वजह से है, आप चाहो तो यहां पे लिख लेना ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, ये कई बार पूछ लिया जाता था, ठीक है। यहां पे अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो वो 1.34 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हो गई होगी, क्यों, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देखो ये वाला पाई बॉन्ड यहां पर मैं ग्रीन कलर से आपको दिखा रहा हूं बेटा, ओ कहां गया मेरा पेन, ओके ये ग्रीन हो गया, देखिए ये जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है और ये पार्शियली यहां पे रह रहा है ऊपर वाले केस में, यस ये पूरे टाइम यहां पे नहीं है, ठीक। तो इससे पता चला कि भाई यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो ये बहुत सारे टेस्टिंग थी। अच्छा बिल्कुल जैसे अभी तक करते आए हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और मैंने पहले भी आपसे कहा था कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हाँ जी ये भी किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रोवाइडेड रेजोनेंस ना हो, रेजोनेंस तो चेक करना पड़ेगा, रेजोनेंस हो रहा है तो फिर आपको पहले रेजोनेंस तो पूरा पढ़ के आ रहे हैं ना, अब तो हम बात कर रहे हैं हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस वाली चीजें तो पता है, अब उसके साथ ये भी और एड हो जाएगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटूइन है और 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटीन, ठीक। इसमें आपको बताना है कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो सबसे पहले देखिए कहीं कोई रेजोनेंस, भाई एक सिंगल बॉन्ड सॉरी एक डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, एक डबल बॉन्ड दिख रहा है केवल, ठीक है, यस, तो ना कोई चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ना कोई फ्री रेडिकल, ना आपके पास दो डबल बॉन्ड, तो भाई यहाँ तो कुछ नहीं होगा, तो आप सीधे सीधे लिख देंगे नो रेजोनेंस, ठीक। अब नो रेजोनेंस मतलब आपको केवल केवल हाइपर कंजुगेशन है, तो अल्फा एच से आपको चेक करना है, अल्फा एच चेक कीजिए, पहले वाले केस में क्या कोई अल्फा कार्बन है, बहुत ध्यान से यहाँ गलतियां होती हैं बेटा, यहाँ पे आपको इस दोनों कार्बन को लेना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों कार्बन से लगे हुए कोई कार्बन नहीं है, तो पहले वाले केस में अल्फा हाइड्रोजन जीरो हो गए क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है, ओके। अब यहां पे देखिएगा सेकंड वाले केस पे आपको दिखा रहा हूं, ये दोनों कार्बन, ये डबल बॉन्ड है,
इससे अटैच्ड कार्बन आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा कार्बन, ठीक है। इसके साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, थ्री, तो ये आपके हो गए थ्री अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन तो हमने लिखा हुआ, तो हम खाली नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे थ्री है। ओके, नेक्स्ट वाले में देखिए, नेक्स्ट वाले में ये दोनों कार्बन के साथ अटैच आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा देखेंगे तो ये भी अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है, टोटल आपके पास सिक्स अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बात समझ में आ रही है? ओके, और लास्ट वाले को देखिए, इसको यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अल्फा 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 अल्फा, अरे क्या ये चार के चार कार्बन अल्फा कार्बन है? ओके, तो यहां से आप चेक करेंगे तो आपके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में, क्योंकि सब CH3 है। अब कहीं CH2 होता या CH होता तो उतने ही हाइड्रोजन लिए जाते जो अटैच है। तो यहां से आपके पास क्लियर हो गया कि स्टेबिलिटी किसकी होगी, D की सबसे ज्यादा, देन C, देन B, देन A. A is least stable. Ethene is least stable. Okay? उससे ज्यादा प्रोपीन स्टेबल है, उससे ज्यादा ब्यूटोइन है, और उससे भी ज्यादा स्टेबल 2.3 डाइमिथाइल ब्यूटोइन है, जितने स्ट्रक्चर हमने दिए उनमें से। तो बहुत सिंपल सा है, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा आप देख रहे हैं, आपको थ्री स्ट्रक्चर दिए हुए हैं ABC, इसमें अगर आप देखेंगे तो किसी में भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, और अगर रेजोनेंस नहीं है तो फिर हमें हाइपर कंजुगेशन चेक करना है और नंबर ऑफ अल्फा एच से हम चेक कर लेंगे। तो पाई बॉन्ड, ओके, सबसे पहले पाई बॉन्ड के कार्बन ढूंढिए, पाई बॉन्ड के दोनों साइड वाले कार्बन को आप समझ लीजिए, और इससे अटैच जो भी कार्बन है वो क्या होंगे आपके, अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है, और ये अल्फा कार्बन है, ये बात समझ में आई आपको। अब अगर आप अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास थ्री हैं, इधर आपके पास वन है, और इधर आपके पास टू हैं, टोटल आपके पास सिक्स अल्फा हाइड्रोजन हो गए इसमें, फर्स्ट वाले केस में। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अब बेटा फिर से बी वाले केस में अगर आप देखेंगे तो ये आपके जो पाई बॉन्ड है उसके कार्बन हुए, ठीक है। अच्छा, इससे अटैच्ड, तो ये आपका अल्फा, ये आपका अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, बात समझ में आई। अब अगर आप देखें तो आपके पास टोटल यहां पे थ्री आ रहे हैं, यहां पे थ्री, यहां टू, और यहां पे टू, तो थ्री थ्री सिक्स टू एट टू टेन, टेन अल्फा हाइड्रोजन इस केस में है, फाइन। अच्छा, अब जरा देखें भाई, आपके पास एक कार्बन तो ये रहा, एक कार्बन ये है, ठीक। ऊपर वाला कार्बन जो आपको दिखा रहा है, ये रेड वाला जो मैंने दिखाया था, ये वाला जो कार्बन, इसके साथ तो कोई अटैच है नहीं, तो यहाँ तो कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं। अब आपके पास अल्फा कार्बन कहाँ कहाँ है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, कुछ बात समझ में आई, ओके। अब अगर आप देखेंगे तो इसके पास दो हाइड्रोजन होंगे और इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो टोटल आपके पास थ्री अल्फा हाइड्रोजन बन गए, टोटल थ्री अल्फा हाइड्रोजन। और अगर इसको अब आप देखें तो आप बड़ी इजीली लिख सकते हैं, B is more stable than A is more stable than C. ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखेंगे बेटा तो आपके पास जो डबल बॉन्ड के कार्बन है वो ये रहे, अल्फा कार्बन अगर आप ढूंढेंगे तो अल्फा कार्बन आपको ये मिलेंगे, और टोटल अल्फा हाइड्रोजन में आप डायरेक्टली लिख देता हूं, यहां पे इस पे आपके 10 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे होंगे, काउंट कीजिए, ओके। फिर आप अल्फा कार्बन आपके ये दो रहेंगे, और यहां पे अगर आप देखेंगे तो 3+1 4 अल्फा हाइड्रोजन आपके आ रहे होंगे बी वाले केस में, ठीक है। और फिर से आप कार्बन बॉन्ड यहाँ पे देखिए, अल्फा कार्बन ढूंढेंगे तो अल्फा कार्बन ये रहे आपके, और कोई तो नहीं है, चेक कर लो भाई, ओके। इस केस पे अगर आप देखेंगे तो 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन आ रहे होंगे, ये आपकी कंडीशन बन रही होगी। और इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो A इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन C, तो बेटा अल्फा हाइड्रोजन भी काउंट करने आने चाहिए, बड़ा सिंपल सी चीजों पे गलती हो जाती है जनरली।
हाँ, ये आपको ध्यान रखना आना चाहिए कि भाई मुझे कौन कौन से कार्बन लेने हैं। जहां भी पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड के दोनों साइड वाले कार्बन देखिए, उनके साथ जो जो अटैच हैं, जो जो कार्बन अटैच हैं उनको लीजिए, और उनसे अटैच्ड वो अल्फा कार्बन होंगे डबल बॉन्ड के दोनों साइड कार्बन के साथ, जो भी कार्बन अटैच हो। यस, एक एग्जांपल और देख रहे हैं बेटा, रिंग में बहुत कंफ्यूजन होता है इसलिए एग्जांपल देखना जरूरी है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट केस में देखिए, रेजोनेंस तो किसी में भी नहीं है, रेजोनेंस किसी में नहीं है, तो हम रेजोनेंस में इंटरेस्टेड भी नहीं है अभी। मैं यहां पे सीधे सीधे लिख दे रहा हूं नो रेजोनेंस। तो हम सीधे सीधे किसको काउंट कर रहे हैं, अल्फा एच को हमें काउंट करना है। तो पहले वाले केस में पहले अल्फा कार्बन ढूंढेंगे, तो ये आपका अल्फा कार्बन, ये आपका अल्फा कार्बन, और ये आपका अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन में 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, ये बात समझ में आई? तो टोटल आपके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। नेक्स्ट केस में आएंगे बी वाले पॉइंट पे, तो अब आप देखेंगे ये आपका कार्बन है जिसके साथ अल्फा कार्बन जुड़े हुए हैं, ये अल्फा कार्बन, तो यहाँ पे 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन आपके पास आ गए, ठीक है। और फिर आप देखेंगे तो ये आपके पास 2 कार्बन है, इनके साथ जुड़े हुए कार्बन ये रहे, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो ये आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। बिल्कुल, तो यहां से आप कह सकते हैं ए बी और सी, ये आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल, अगर रेजोनेंस नहीं है तो। एक एग्जांपल और देख रहे हैं बेटा, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं किसी भी केस में रेजोनेंस नहीं है, तो अभी हम रेजोनेंस पे इंटरेस्टेड भी नहीं है, हम हाइपर कंजुगेशन पे इंटरेस्ट ले रहे हैं। बिल्कुल मिक्स करेंगे, बाद में हम मिक्स करेंगे जब हमारे पास एक बार कमांड आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप पाई बॉन्ड के साइड वाले पे कार्बन पे पहले इस तरह से डॉट लगाना सीखते हैं, ठीक है। अब अल्फा को ढूंढिए, तो ये रहे आपके अल्फा कार्बन, ये अगर अल्फा कार्बन है तो अल्फा हाइड्रोजन आपको ढूंढना है। इसी तरह से ये आपने ढूंढा पाई बॉन्ड का कार्बन, ये रहा आपका अल्फा, ठीक है। ये आपने ढूंढे पाई बॉन्ड के कार्बन, ये अल्फा और ये अल्फा, बात समझ में आई? अब आपको चेक करना है कि यहाँ पे कितने कितने हाइड्रोजन हैं, कितने कितने हाइड्रोजन हैं यहाँ पे, कितने 3, और ये जो सेकंड अल्फा आपको दिख रहा है यहाँ पे 2, क्योंकि 2 बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बचे हुए हैं वो एच के साथ अटैच होंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 आ रहा होगा, ठीक है। और इस वाले केस में 3 3 और 3, क्या ये बना आपका, ठीक। तो अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन, सेकंड वाले केस में 1 अल्फा हाइड्रोजन, और लास्ट वाले केस में 9 अल्फा हाइड्रोजन। और आप इजीली कह सकते हैं सी इज ग्रेटर देन ए एंड ग्रेटर देन बी, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, फाइन। तो इस तरह से आप किसी भी एल्कीन को चेक कर सकते हैं। अभी हमने रेजोनेंस नहीं लिया हुआ है, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर बात करेंगे रेजोनेंस के साथ जब आएगा तब कैसे करते हैं।